हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डीजीआर। आज जो अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर है, जो नेवी एयरफोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अपन ले लिए हैं, उसका चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो वीडियो अपलोड हो गया वो था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसका कंटिन्यूशन ही है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा है सर, बोलता हूं, सपोज वी आर टेकिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन हियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, से दिस इज y y इज इक्वल टू x + c। वी आर टेकिंग हियर y इज इक्वल टू व्हाट, x + c। नाउ दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, आई एम गोइंग टू से दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग हियर अनदर वन, y इज इक्वल टू सम x * sin x, y is equal to x into sin x. Okay, for this I am going to say what particular solution, particular solution. Okay, this is the general solution and this is what particular solution. So why I am going to say this is the general solution, this is particular solution, means the student has observed here that the solution which contains the arbitrary constant c, c ko kya bol raha hum, arbitrary constant, c kya bolenge apan, arbitrary constant hai. जब भी ये जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलना है सर, बोलता हूं, जब एक सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा तो उसे आप लोग क्या बोल लो, जनरल सॉल्यूशन बोल के बोल रहा हूं। जल यहां पे देखो, इसी में पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा हूं, जिस सॉल्यूशन के अंदर यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है उसे आप लोग क्या बोलना चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल के बोलना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन है नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेंगे सर, मैं यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, मैं लिखा यहां पे cos x बोल के लिखा, y is equal to cos x बल्कि लिखा, ये क्या जनरल है या पर्टिकुलर है, क्या बताओ, पर्टिकुलर है। गुड, पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्यों बोलते हैं, इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है सर। ओके, तो यहां पे देखो और एक बात आप लोग इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूं, ये नोट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर number of time times derivative। यहां पे देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ऑब्जर्व करो मैं क्या लिख रहा हूं। तो ये जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंफ्यूजन नहीं है ना। नेक्स्ट यहां पे बात कर रहा हूं, देखो ये पॉइंट नोट, नंबर ऑफ आर्बिट्री, ये आर्बिट्री है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली मालूम, नंबर ऑफ ऑर्डर बन सकता है और नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव हो सकता है। ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन के अंदर ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का इसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जनरल सॉल्यूशन जब भी ले रहा हूं मैं, तो इसके अंदर जो आप लोग ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ क्या है पे आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर इसके अंदर एक है तो आप लोग कितने टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक टाइम डेरिवेटिव करो, इसका मीनिंग। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, कल आप लोग ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर दिया था, उसके अंदर चेक कर लो इसका जो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है सर, बोलते हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है दिए सो डिफरेंशियल, दिए सो जनरल सॉल्यूशन के अंदर, उतना उसका ऑर्डर बन सकता है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, वन। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, दो। अगर थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना होगा, थ्री होगा। ओके, तो ये तो है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। ओके, तो आप लोगों को जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा रहता है मालूम होगा सर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे तो इसके ऊपर जो है कि क्वेश्चंस करेंगे। यहां पे क्या बोल रहा है बोलते, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, बोलते एक ऑलरेडी कर्व अपने पास दिया है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग फाइंड करना है। ओके, इसके अंदर ए एंड बी क्लियर बोल रहा है, ए ए कॉमा बी आर व्हाट, यहां पे याद रख लो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, मैं बोल रहा हूं क्लियरली यहां पे साउंड याद रख लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। ओके, तो यहां पे y is equal to a into sin of, मैं कह रही है बोलते x plus b है। चलिए दिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे पहले। तो मुझे एक बात बताओ, ये जनरल सॉल्यूशन है क्या, क्या बोलते सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, डेफिनेटली ये जनरल है, क्यों सर, ए एंड बी क्या हो रहा है इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएट कर लो। यहां पे देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं इसके पहले बोला था कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टू टाइम्स डिफरेंशिएट कर लो, तो इसका ऑर्डर भी कितना होता है, दो, ऑर्डर कितना होगा, टू होगा। ओके, यहां देखो डिफरेंशिएट करेंगे dy / dx a into डेरिवेटिव ऑफ sin कितना होता है मुझे बताओ, cos, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो, फिर से वन आता है लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट और एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच चेंजेस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता,
माइनस साइन, मतलब पहले माइनस लगा दो, नेक्स्ट साइन x प्लस बी, नेक्स्ट है इसका टोटल डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग ऑब्जर्व करो, डी स्क्वायर y बाई क्या हो रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये टोटल पार्ट आप लोग ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर 1 में से ये टोटल पार्ट क्या होता है y हो जाएगा, ये माइनस इधर ले जाओ क्या होता है प्लस, डी स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस से क्या होता है प्लस, y इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये था अपना क्या जनरल सॉल्यूशन, तो याद रखो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन याद रख लो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख दिए तो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए याद रख लो, ओके। तो आप लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी जो है सर, ये क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, ओके। क्या दिया गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग द सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। आप लोग क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्या है उसके अंदर आप लोग चेक कर लो पहले, ओके। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से पासिंग हो रहे हो ओरिजिन एंड हैविंग द सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, उसका सेंटर किसके ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो तो डायग्राम पहले चेक करेंगे, पहले डायग्राम करना आप लोग आना चाहिए, यहां पे पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पासिंग हो रहा है ये तो ओरिजिन वो, ओके एंड हैविंग द सेंटर्स, उसका सेंटर कहां पे है एक्स एक्सिस पर इधर है, ओके यहां पे ले रहा हूं, समझ में आ रहा है, ये होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स, सेंटर देख लो आप लोग इधर है, सेंटर इधर मैं क्या लेना चाह रहा हूं बोलता हूं एक्स, ये कॉमा 0 बोलो, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट इसका रेडियस भी आप लोग देखने की जरूरत नहीं, यहां से आता रेडियस कितना होगा फिर से ये होगा, तो इक्वेशन देख लो एक्स माइनस एच एच बोल दो ये होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के बोल दो कौन है 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर बोल दो क्या लिखना है रेडियस ए स्क्वायर, ओके आप लोग ऑलरेडी मालूम होगा जब सेंटर एक रेडियस देता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर ये मैंने बोल उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस, ये क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखो जो लेफ्ट हैंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0, ओके। नेक्स्ट इसमें से यहाँ पे क्या करेंगे सर बोलता हूँ इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसे डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट with respect to x on both the sides, differentiate करते हो, differentiation of x, x square क्या होता है 2x, with respect to x करे, confuse नहीं होना, minus 2a हो जाएगा ये, क्यों सर बोलते हैं इसका derivative भी 1 आ जाता है x का। next y square का derivative 2y into क्या होता है dy by dx is equal to 0, next ये total में से 2 कामा निकल सकते हो आप लोग, जब क्या रहेगा x, ये पहले आप लिख लो, ये पहले लिख लो plus y into क्या हो रहा है dy by dx यहाँ पे कितना है माइनस ए इक्वल टू 0, माइनस आप लोग राइट हैंड से लिख के जाओ, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ आप लोग क्लियरली मालूम आता, जब ये वैल्यू लिख रहा हूँ माइनस उधर गया तो x प्लस क्या रहेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो स्टूडेंट्स आप लोग इसी इक्वेशन नंबर 1 करके बोलो, तो ये वैल्यू आप लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे एक्स पहले लिख लो इंटू ये बोलते हैं ये वैल्यू लिख लो एक्स प्लस वाई इंटू क्या लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी, चलिए बस के बाद प्लस क्या लिख रहा हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 2x इंसर्ट मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर माइनस माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस 2x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 ये मल्टीप्लाई कर लो x y इंटू क्या हो रहा है dy वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्या देखो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बोलते क्या हो जाता है माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी ये था, तो यहाँ पे देखो माइनस x स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई वाई क्या हो रहा है डी एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस क्या लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। इसके अंदर लास्ट और एक स्टेप यहाँ पे आ सकता है, वही लास्ट आंसर भी बन सकता है अपना, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें से अब लोग ये दोनों नेगेटिव है राइट हैंड से लेके लो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ बोलते एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई dy by dx, ये था अपना जनरल क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन dso जनरल सॉल्यूशन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन देखने यहां पे बोर्ड के ऊपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो यहां पे आप लोगों को मैं बोलने का वही है, क्वेश्चन कितने कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अंदर मैटर भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आना चाहिए। यहां पे देखो
ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इसका मीनिंग क्या है देखते हैं, विद सेंटर एट द ओरिजिन, उसका सेंटर कहां पे, ओरिजिन के प्लेस में, यहां पे देखो एक्स एक्सिस था ये वाई एक्सिस था, कॉन्सेंट्रिक उसका सेंटर कहां पे, ओरिजिन के प्लेस में, यहां पे देखो वो 0 कॉमा 0 था। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या है मालूम, पहला सर्किल ले लिया, सेकंड सर्किल ले लिया, ओके सेकंड सर्किल ले लिया, थर्ड सर्किल ले लिया मैं ऐसा इस तरीके से, फोर्थ ले लिया, फिफ्थ ले लिया, ऐसे वन बाय नंबर ऑफ सर्किल्स ले रहा हूं, ये फैमिली ऑफ सर्किल्स है, लेकिन ये किस तरीके के सर्किल है सर, मतलब आप लोग ऑब्जर्व करो हर सर्किल का सेंटर क्या हो रहा है सर, ओरिजिन ही है, चेक करो फर्स्ट सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, सेकंड सर्किल का रेडियस चेंज हो रहा है लेकिन सेंटर में चेंजेस नहीं है, उस तरीके के सेंटर को सर्किल्स को अपन क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोल के बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बोल के बोलते हैं। तो इसका अभी देखो इसके हिसाब से इसका रेडियस चेंज हो रहा है, बोलते आर चेंजेस हो रहा है लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या है चेंज नहीं है, बोलते मैं ये फॉर्मूला अपने पास है एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस क्या था आर, आर क्या लिखिए फोर स्क्वायर, इधर आर क्या है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट बन सकता है क्यों चेंज हो रहा है ना सर वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आर स्क्वायर, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, डेरिवेटिव y स्क्वायर कितना होता है 2y, x से डेरिवेटिव करे बोलते हो क्या लिखना चाहिए याद रख लो dy/dx, ये कांस्टेंट था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया 0, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप लोग यस, x plus y इनटू क्या हो रहा है dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये था अपना आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो देखती है इसका भी आंसर करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके आप लोग कर सकते थे लेकिन ना मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बोलने से पहले आप लोग भी अभी कर सकते हैं सर फटाफट, देखो क्वेश्चन लिख लो पहले आंसर आप लोग भी कर सकते हैं, tan inverse x plus tan inverse y equal to c है, ये क्या बोल रहा है इज द जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है सही है, क्यों बोलते इसके अंदर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, अब देख किसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो फोर ऑप्शन आप लोगों को देगा, तो फोर ऑप्शन के अंदर क्या रहना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, तो यहाँ पे देखो tan inverse x का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x 1/1 + x², डेरिवेटिव ऑफ tan inverse y फिर से 1/1 + y² लिखेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन किससे कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप लोग, x कर रहे थे इधर y के प्लेस x के प्लेस में है y है, तो फिर से आप लोग ये लेना चाहिए dy/dx, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी क्या होता है डेरिवेटिव उसका 0 है। नेक्स्ट आप लोग स्टूडेंट देख लो ये पार्ट राइट हैंड साइड लिख लो 1/1 + y² इनटू क्या हो रहा है dy/dx, ये पार्ट राइट हैंड साइड का तो -1 में क्या होता है 1 + x² हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे सर, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लो, ये पार्ट उधर जाएगा ये पार्ट इधर, बोल तो 1 + x² इनटू क्या हो रहा है dy, नेक्स्ट ये पार्ट इधर लिख लो माइनस ऑफ 1 + y² ये dx भी इधर लिख लो क्या हो रहा है dx हो जाता है, ये माइनस इधर लेके आता टोटल पार्ट प्लस, बोल तो 1 + x² इनटू dy माइनस इधर आता प्लस 1 + y² इनटू क्या हो रहा है dx, ये था अपना आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।